नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वैगंट पर। आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi की नई आफत के बारे में। आफत कह लीजिए, नया बजट स्मार्टफोन कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर जब लॉन्च होता है तो ये आफत ही बन जाती है, फ्लैश सेल। जिस इंसान ने फोन खरीदना नहीं है वो भी फ्लैश सेल पर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके किसी दोस्त ने कह रखा है, क्योंकि उसके किसी रिश्तेदार ने बोला हुआ है कि यार तू भी ट्राई कर लिए, उसके भाई ने बोला, उसकी बहन ने बोला है। तो जिसको लेना नहीं है ना, वो भी 12 बजे अपने सारे काम छोड़ के फ्लैश सेल पर आ जाता है। तो इसे आफत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। और कुछ दिन पहले यह टीना जो ऑफिशियल वेबसाइट है चाइना के अंदर, वहां पर ये फोन लिस्टेड हुआ था और कुछ स्पेसिफिकेशंस जो है सामने आई थी। और दोस्तों चाइना के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो 10 मई को लॉन्च होने वाला है, ये कंफर्म कर दिया है MI ने। तो पहले जल्दी से मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आपको 5.9 इंच की फुल HD प्लस तो नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी 1440x720 पिक्सल की। बात करता हूँ यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। और अगर बैक साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा Redmi Note 5 Pro की तरह, और काफ़ी हद तक डिज़ाइन जो है वो आपको Mi 6X या Redmi Note 5 Pro जैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एंटीना बैंड्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डबल लाइनिंग दी हुई है, और पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे ये डबल लाइनिंग जो है वो ज़्यादा पसंद आई है Redmi Note 5 Pro के मुकाबले। दोस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसेसर पुराना है लेकिन रिलायबल है, पावर एफिशिएंट है, और आपको डेली टास्किंग में कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है स्नैपड्रैगन 625 के साथ। उसके बाद ये 3 वेरिएंट में लॉन्च होगा, 2GB 16GB 3GB 32GB और 4GB 64GB। अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट मिल जाएगा, जो कि हम काफ़ी मिस करते हैं Xiaomi के फ़ोन्स में। उसके बाद दोस्तों अगर बात करता हूँ कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर क्योंकि S सीरीज़ है, सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है, यहाँ पर पहले सेल्फी कैमरे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, तो भाई सेल्फी वालों की तो लॉटरी लग गई। और अगर बात करता हूँ रियर साइड की, तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल, और 5 मेगापिक्सल का जो दूसरा कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा है, वो डेप्थ सेंस करने के काम आएगा, यानी कि आपको पोर्ट्रेट शॉट्स मिल जाएंगे। उसके बाद बैटरी सेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बैटरी जो है 3080mAh की रखी गई है। और अगर मैं बात करूँ अंडर 10,000 रुपीज़ की अगर प्राइस सेगमेंट रहती है तो ठीक है, 3080mAh की हम बहुत कम भी नहीं कह सकते और ज़्यादा भी नहीं कह सकते, और यार इतना कुछ दे रहा है तो क्या क्या मांगेंगे हम उनसे। एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के अंदर ये फ़ोन जो है वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और अगर बात करता हूँ यहाँ पर आपको फेस अनलॉक फीचर भी मिल जाएगा इस फ़ोन के अंदर, और ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी। अभी तक मैंने 10,000 से नीचे के फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं देखी है। जहाँ तक मुझे याद है कि 10,000 के अंदर कोई फ़ोन जिसके अंदर EIS या OIS हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अगर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर बात आती है कि इंडिया में ये फ़ोन कब आएगा, तो बहुत जल्दी आने वाला है, और ऐसे र्यूमर्स हैं कि शायद जून के अंदर ये फ़ोन जो है वो आपको देखने को मिले, क्योंकि इंडिया जो है वो मिड रेंज स्मार्टफोन्स का हब है। और एक जो मैं बात कर रहा था, आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ है, आप सभी लोगों के लिए प्यार है, तो आपको गैस लगानी है कि इस फ़ोन का जो बेसिक प्राइस है वो क्या होगा, यानी कि बेस वेरिएंट का 2GB 16GB वाले का जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस क्या होगा इंडिया के अंदर। तो जब भी इंडिया में लॉन्च होगा तो जिसका भी आंसर सही पाएगा उसको मिलेगा एक, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि उनको मिलेगा एक मौका स्वैगंट के एक वीडियो में आने का, और तीन जो हैं वो तीन विनर चुने जाएंगे। एक तरह से प्राइस भी लगा लीजिए आप, उनको मिलेगा एक फ़ोन केस कवर उनके फ़ोन के लिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा फ़ोन आपके पास और कौन सा कवर चाहिए, उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, नीचे हैशटैग स्वैगंट स्पेस देना है और यहाँ पर प्राइस लिख देना है जो आपको लगता है, उसके बाद स्पेस देना है और अपने मॉडल नंबर लिख देना है जो आपका स्मार्टफोन है। तो जिस दिन भी लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, भाई तीन बंदों को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उनको मौका भी देंगे बिल्कुल इस वीडियो में आने का यहाँ पर स्वैगंट से। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग जो है वो इस वीडियो का हिस्सा बनेंगे और मेरे साथ थोड़ी सी बातें करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आने वाली हर अपडेट S2 के बारे में आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जल्दी से, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए, धन्यवाद।